हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल कारपेट, और इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है पुराने कपड़ों का। और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो भी आप बहुत ही इजीली इसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक पुरानी लहंगिंग और उसकी मैं इलास्टिक सबसे पहले निकाल दूंगी, और इसे हमें मिडल से फोल्ड करके इस तरह से रखना है, और इसे मैं मिडल से कट कर लूंगी। उसके बाद इसे मैं छोटी छोटी स्ट्रिपों में डिवाइड कर लूंगी। लगभग एक स्ट्रिप मैंने 1.5 इंचेस की कट की है। आप पुरानी लहंगिंग की जगह पर टी शर्ट या फिर और कोई भी ऐसा नाइट सूट है जो कि हॉजियरी मटेरियल का है, उसका यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड, इस तरह की स्ट्रिपें हमें कट कर लेनी है। अब मैंने ली है एक पुरानी फॉर्मल पैंट। अगर आपके पास फॉर्मल पैंट नहीं है तो आप जींस पैंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैंने यहाँ नीचे से इस तरह से हार्ड पार्ट था उसे कट कर लिया है, और ऊपर से भी आप इसकी जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से कट कर लीजिए। अब मैंने इसे मिडल से फोल्ड कर इस तरह से निशान कर लिया है, और यहाँ से भी मैं सीधी निशान कर लूँगी, फिर हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके इसे एकदम स्ट्रेट बनाना है। दोस्तों, हम जो कारपेट बना रहे हैं वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। और आप इसका यूज़ कर सकते हैं डोरमैट की तरह, फ्लोर मैट की तरह, योगा मैट की तरह, टेबल मैट की तरह। अलग अलग तरीक़ों से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और छोटा या बड़ा अलग अलग साइज़ में बना सकते हैं। अब इस पैंट को भी मैंने स्ट्रेट कट करने के बाद 2 इंचेस लेंथ की स्ट्रिपों में कट कर लिया है। तो जितनी भी स्ट्रिप मेरी निकली उतनी मैंने इस तरह से कट कर ली है, और इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से जितना आपका फैब्रिक है उस हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रिप के साथ एक और स्ट्रिप को जोड़कर इस स्ट्रिप को आप लंबी कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और निडर और थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर हम टांके लगा लेंगे। और आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर हम टांके लगा लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उसी की हेल्प से यहाँ पर सिल लीजिए। तो देखिए, इसी तरह से हमें सभी स्ट्रिपों को फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है सभी स्ट्रिपों में। अब इसे मैं यहाँ पर जो ये टाइल्स का बीच में कट है वहाँ पर इस तरह से सेट कर रही हूँ। सारी स्ट्रिपों को इस तरह से सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख रही हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और इसका शेप सही रहे। अब इसे इस तरह से रखने के बाद मैंने यहाँ पर सेलो टेप लगा ली है ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब बुक को मैंने थोड़ा पीछे की साइड धकेल दिया है, और जो स्ट्रिपें हमने लहंगिंग की कट की थी उसे लेना है, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ फिक्स करूँगी। तो देखिए इसे हम किस तरह से फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम एक को छोड़ देंगे, उसके बाद एक के ऊपर से निकालेंगे, फिर एक स्ट्रिप के नीचे से, फिर एक को छोड़ना है उसके ऊपर से, फिर एक के नीचे से, ऊपर से। इस तरह से हमें एक को छोड़ते छोड़ते इस तरह से इसे इसमें फिट करना है। तो देखिए ये हमारी स्ट्रिप इस तरह से यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे, और जो हमने ऊपर रखी थी पैंट की स्ट्रिप उसे हम अब नीचे रखेंगे, और जो नीचे थी उसे हमें ऊपर रखना है। उस तरह से यहाँ पर हम सेकंड स्ट्रिप को भी देखिए फिक्स कर लेंगे। सेम इसी तरह से अब हमें एक और स्ट्रिप अटैच करनी है, तो एक के बाद एक इस तरह से हम सारी स्ट्रिपें यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझ लेना। तो देखिए आपको किस तरह से स्ट्रिपें अटैच करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी स्ट्रिपों को लगाते जाना है, और आपको अच्छे से इसे सेट करते जाना है कि एक जगह पर कहीं खींच ना जाए। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं होती है, बहुत ही इजीली ये हो जाता है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब देखिए ये मैंने पूरा कर लिया है। अब नीचे से जो भी एक्स्ट्रा थी, ऊपर नीचे जो लेंथ हुई है उसे मैंने कट कर लिया, और अब मैं इस तरह की एक स्ट्रिप लूँगी और इसे मैं नीचे की साइड रखूँगी, हमें यहाँ पर सिलना है तो, और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है।
देखिए, अगर आप सिलाई मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो भी इस तरह से पहले आप टांके लगा लेंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इसे हम बाहर की साइड टर्न करेंगे और फिर ऊपर एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे हम इस मैट के ऊपर, देखिए इस तरह से, और यहाँ ऊपर भी हमें सिलाई कर लेनी है। अब सेकंड साइड भी हमें सेम ऐसा ही करना है, लेकिन उससे पहले देखिए हम पहले यहाँ पर साइड में टांके लगा लेंगे। यहाँ पर साइड में आपको लेंगिंग्स को जो पैंट की स्ट्रिप है उसके साथ टांके लगाकर फिक्स कर लेना है, और सिलाई मशीन है तो आप बाद में सिलाई मशीन से फिक्स कर लीजिए। तो ऐसा हमें दोनों साइड करके इसे पैक कर लेना है। टांके लगाने के बाद यहाँ से धीरे से हमें ये जो टैप हमने सेलो टैप लगाई थी उसे निकालना है, और यहाँ पर भी हम स्ट्रिप लगाकर पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पाइपिंग कर ली है दोनों साइड, और दोनों साइड मैंने फिक्स भी कर लिया है लेंगिंग्स को पैंट के साथ। अब यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा लंबी है लेंगिंग की स्ट्रिपें उसे हमें कट करके सेव करना है। तो ये देखिए जो भी लंबी है उसे हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा है उसे। उसके बाद क्या करना है, जो ये चौड़ी है इसे हम मिडल से कट करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो ये एकदम टेसल्स की तरह बहुत ही क्यूट दिखेंगी। ये देखिए इस तरह से ये जो इसके बड़े बड़े हिस्से हैं इसे मैं मिडल से कट करके इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। सेम इसी तरह से हमें दोनों साइड दोनों किनारों पर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा कारपेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे बड़ी साइज़ का बनाएंगे तो ये एज अ कारपेट आपको यूज़ होगा, और छोटे साइज़ का आप बनाएंगे तो ये एज अ टेबल मैट या फिर आप एज अ डोर मैट फ्लोर मैट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ना ही आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत है और ना ही कोई स्पेशल फैब्रिक की। पुराने कपड़ों की हेल्प से आप बहुत ही इजीली इसे बना सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।